हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एडल एक्सपर्ट चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने एक्टिविटी रजिस्टर डॉट एक्सएमएल की फ्रंट एंड पार्ट क्रिएट किया था, बट हम एक चीज़ भूल गए थे जो कि यहाँ पे हमने प्रोग्रेस बार इंप्लीमेंट ही नहीं किया। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हमने एक्टिविटी लॉगिन डॉट एक्सएमएल में प्रोग्रेस बार क्रिएट किया था, वैसे ही हमें एक्टिविटी रजिस्टर डॉट एक्सएमएल में भी क्रिएट करना है। तो इसके नीचे मैं आ जाता हूँ एंड इस लीनियर लेआउट को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये जो प्रोग्रेस बार की लीनियर लेआउट है, इसको मैं कंट्रोल सी से कॉपी करूंगा, एक्टिविटी रजिस्टर डॉट एक्सएमएल में जाएंगे एंड इस लीनियर लेआउट को तो सबसे पहले हम क्लोज कर देंगे। तो मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ। ये जो लीनियर लेआउट है, इसके नीचे हमें आना होगा। तो मैं आ जाता हूँ एंड यहाँ पे इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोग्रेस बार इंप्लीमेंट हो चुका है। तो मैं विजिबल करके दिखा देता हूँ एक बार आपको। विजिबल, हाँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे प्रोग्रेस बार इंप्लीमेंट हो चुका है। तो अभी तो फिलहाल तो इसको इनविजिबल ही करना होगा, क्योंकि कोई भी अगर रजिस्टर बटन पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे जो भी डेटा रहेगा, जब तक फिल नहीं होता तब तक ये प्रोग्रेस बार हिडन ही रहता है। जब साइन अप बटन पे कोई यूजर क्लिक करेगा तब जाके ये हमारा जो भी प्रोग्रेस बार रहेगा वो विजिबल हो जाएगा। ओके, तो चलिए अभी हम देखने वाले आज के वीडियो में रजिस्टर डॉट जावा, मीन्स हम बैकएंड का पार्ट करने वाले हैं आज। तो चलिए जल्दी से हम आ जाते हैं रजिस्टर डॉट जावा में एंड ये जो दिखाई दे रहा है आपको साइन अप, मैं आपको दिखा देता हूँ एक्टिविटी रजिस्टर डॉट एक्सएमएल जो हमने यहाँ पे ऑन क्लिक यूज किए थे। ओके, अगर कोई यूजर बैक पे क्लिक करता है तो वो डायरेक्ट जाना चाहिए लॉग इन डॉट जावा में, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोडिंग इम्प्लीमेंट करेंगे, स्टार्ट एक्टिविटी, स्टार्ट एक्टिविटी न्यू int n, get application context एंड यहाँ पे हम प्रोवाइड कर देंगे लॉगिन डॉट क्लास, ठीक है। क्योंकि कोई अगर यूजर बैक पे क्लिक करेगा तो जाहिर सी बात है वो डायरेक्ट चला जाएगा लॉगिन डॉट क्लास में। ये तो हुआ रहा हमारा वर्क ऑन क्लिक का। अभी हमें क्या करना होगा, डिफाइन करना होगा। जैसे हमने, मैं आपको दिखा देता हूँ लॉगिन डॉट एक्सएमएल में, जैसे हमने एडिट टेक्स्ट बटन सभी को डिक्लेयर किए थे, वैसे ही हमें रजिस्टर में भी डिफाइन करना होगा। तो आप देख सकते हो जैसे हमने इसको डिफाइन किए थे, सेम हमें रजिस्टर डॉट जावा में भी डिफाइन करना होगा। इसके लिए हमें क्या करेंगे, एडिट टेक्स्ट का यूज करेंगे, एडिट टेक्स्ट एम फुल नेम कॉमा एम ईमेल कॉमा एम पासवर्ड, इसके बाद आपको सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देना है एंड यहाँ पे अभी बटन यूज करना है। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ बटन एंड एम रजिस्टर बटन पे मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा। इसके बाद हम टेक्स्ट व्यू को डिफाइन करेंगे, टेक्स्ट व्यू एम लॉगिन बटन सेमी कॉलम से इसको भी क्लोज करना है। प्रोग्रेस बार एंड इसका नेम दे देना है प्रोग्रेस बार। तो आप देख सकते हो, मैं आपको एक एक दिखा देता हूँ। हमने यहाँ पे फुल नेम ईमेल पासवर्ड ये एडिट टेक्स्ट यूज किए थे, इसलिए हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। एक बटन डिफाइन किया था साइन अप के नेम से, वही यहाँ पे हमने इसको डिफाइन कर दिया एंड एक टेक्स्ट भी यूज किया था, ठीक है। ये जो टेक्स्ट भी है, अगर साइन इन पे कोई क्लिक करता है तो यहाँ पे हमने दिया था एंड एक प्रोग्रेस बार यूज किया था। इसको हमें क्या करना होगा, यहाँ पे डिक्लेयर करना होगा। तो इसके लिए हमें जो ऊपर में नेम लेते हैं एम फुल नेम, वही आपको यूज करना है। एम फुल नेम इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाई आई डी आर डॉट आई डी डॉट फुल नेम, जो हमने आपको दिखा देता हूँ, ये जो आईडी दिखाई दे रही होगी आपको फुल नेम, वही हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। ओके, इसको मैं कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कर देता हूँ एंड जो एम फुल नेम है इसकी जगह हम प्रोवाइड कर देंगे एम ईमेल, आप कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो एम ईमेल एंड यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे ईमेल, ये होने के बाद आपको एम पासवर्ड यूज करना है
एंड पासवर्ड में हम प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे भी सेम पासवर्ड। ये होने के बाद आपको रजिस्टर बटन पे क्लिक करना है, मीन्स एम रजिस्टर बटन, एंड यहाँ से आपको डिफाइन करना है रजिस्टर बटन। अगेन आपको एम लॉगिन बटन, एंड इसका भी आपको प्रोवाइड करना है क्रिएट टेक्स्ट। मैं आपको दिखा देता हूँ एम लॉगिन बटन का, आप देख सकते हो क्रिएट टेक्स्ट के नेम से हमने इसको आईडी को डिफाइन कर दिया। ये होने के बाद आपको यहाँ पे प्रोग्रेस बार डिफाइन करना होगा। प्रोग्रेस बार एंड यहाँ पे भी आईडी को डिफाइन करना होगा प्रोग्रेस बार। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने इसको डिक्लेयर कर दिया। ये होने के बाद हमें एक ऑथेंटिकेशन यूज करना होगा, तो चलिए जल्दी से हम यहाँ पे टॉप में इसको डिक्लेयर कर देते हैं ऑथेंटिकेशन को भी। फायरबेस ऑथ मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे लॉगिन डॉट जावा में हमने यहाँ पे डिफाइन किए थे, सेम यहाँ पे रजिस्टर डॉट जावा में भी डिफाइन करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पब्लिक स्टैटिक फाइनल यूज कर लेंगे हम यहाँ पे, देन यूज करेंगे यहाँ पे स्ट्रिंग, देन आपको प्रोवाइड करना है टीएजी टैग। ओके ये होने के बाद आपको इज इक्वल टू यूज करना है एंड टैग यहाँ पे एंटर कर देना है एंड सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देना है। ये होने के बाद आपको फायर स्टोर यूज करना है, तो मैं प्रोवाइड कर देता हूँ फायर स्टोर। यहाँ पे फायर बेस स्टोर सिलेक्ट नहीं हो रहा अच्छे से, इसलिए मैं अगेन टाइप कर देता हूँ फायर बेस फायर स्टोर। यस सिलेक्ट हो चुका है एंड स्टोर एफ स्टोर इसका हम नेम दे देंगे। आप कोई भी नेम डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे हम स्ट्रिंग भी प्रोवाइड कर देंगे यूजर आईडी के नेम से कैपिटल आई डी, सेमी कॉलम क्लोज करना है एंड फायरबेस ऑथ, एंड इसका नेम भी आपको प्रोवाइड कर देना एफ ऑथ, एंड इसको भी सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देना है। सेम यहाँ पे भी आपको डिक्लेयर करना होगा नीचे, जैसे हमने एडिट टेक्स्ट बटन टेक्स्ट व्यू को डिफाइन किया, सेम इसको भी डिफाइन करना होता है। तो मैं आ जाता हूँ इसके नीचे एंड एफ ऑथ इसको मैं डिक्लेयर कर देता हूँ इज इक्वल टू फायरबेस ऑथ डॉट गेट इंस्टेंस, सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देना है एंड सेम आपको प्रोवाइड करना है एप स्टोर एंड इज इक्वल टू, एंड इसको भी आपको प्रोवाइड कर देना है फायरबेस स्टोर जो हमने टॉप में यूज किए। ये जो फायरबेस स्टोर दिखाई दे रहा है वही हम यूज कर रहे हैं। डॉट गेट इंस्टेंस यहाँ पे क्या प्रोवाइड करना है आपको, डॉट गेट इंस्टेंस एंड सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देना है। ओके ये होने के बाद आपको क्या करना होगा, एक लॉग इन बटन यूज करना होगा। तो आपको दिखा देता हूँ लॉग इन बटन कौन सी, मतलब अगर कोई यहाँ पे क्लिक करेगा साइन अप पे तो साइन इन पे चला जाएगा, तो इसलिए हम क्रिएट करेंगे एम लॉग इन बटन जो कि हमने ऑलरेडी यूज किए, एम लॉग इन बटन डॉट सेट ऑन क्लिस लिसनर एंड न्यू न्यू अच्छे से टाइप करना है आपको, एंड जैसे आप व्यू ऑन क्लिक लिसनर पे क्लिक करोगे तो खुद ब खुद ऑन क्लिक लिसनर के मेथड आ जाएगी। तो सेम आपको यहाँ पे भी इंटेंट यूज करना होगा। तो मैं क्या कर देता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ, मीन्स ये जो है हमारा स्टार्ट एक्टिविटी इसी को मैं जैसे कि वैसे पास कर देता हूँ। क्यों हमने इसको कॉपी किया मैं आपको बताता हूँ अभी। तो देखो अगर कोई साइन इन पे क्लिक करेगा तो साइन इन पेज में चला जाएगा, या फिर साइन अप पेज में रह के अगर उसको बैक करना है चला जाएगा साइन इन पेज पे, इसलिए इन दोनों का भी कोड सेम है इसका और साइन इन पेज का। इसलिए हमने क्या किया इसका और इसका कोड कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अभी हमें क्या करना होगा, ऑथ की कंडीशन यूज करनी होगी फायरबेस की, तो इसलिए मैं प्रोवाइड कर देता हूँ इफ कंडीशन
एफ ऑथ इफ एफ ऑथ डॉट गेट करंट यूजर नॉट इक्वल टू, हमें प्रोवाइड करना है नॉट इक्वल टू, तो इसलिए हम प्रोवाइड कर देंगे नॉट इक्वल टू नल। ये होने के बाद आपको स्टार्ट एक्टिविटी पास करनी है एंड हम यहां से भी सेम इंटेंट को पास कर देंगे न्यू इंटेंट, जिस एप्लीकेशन में है मीन्स गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, कॉमा जिस एक्टिविटी में हमें जाना है, तो जब यूजर रजिस्टर कर लेगा वो जाएगा मेन एक्टिविटी डॉट क्लास में। ओके तो अभी हमें इसको फिनिश भी कर देना है क्योंकि मेन एक्टिविटी जाने के बाद जो भी एक्टिविटी रहेगी वो कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगी, इसलिए मैं इसको फिनिश कर देता। तो अभी हमारा फायरबेस ऑथ का भी वर्क हो चुका है, अभी मैं इसको एंटर कर देता हूँ। अगर कोई एम रजिस्टर बटन पे क्लिक करता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर कोई साइन अप पे कोई क्लिक करता है तो क्या परफॉर्म होगा, तो इसलिए हमें यहाँ पे कोडिंग करनी होगी एम रजिस्टर बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू एंड खुद ब खुद मेथड आ जाएगी ऑन क्लिक लिसनर की। तो इसमें हमें प्रोवाइड करना है स्ट्रिंग जैसे हमने लॉगिन डॉट जावा में प्रोवाइड किया था, आपको दिखा देता हूँ मैं, तो आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग प्रोवाइड की थी सेम हमें वहाँ पे भी प्रोवाइड करनी है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं एंड यहाँ पे हम फाइनल स्ट्रिंग नेम दे देंगे हम ईमेल इज इक्वल टू, खुद ब खुद मेथड आ जाएंगे एम ईमेल के नेम से। तो देखो हमने एम ईमेल का थोड़ा नेम गलत कर दिया था, ये जो एम ईमेल है वो कैपिटल में लिख लिया था। ओके तो हो सके तो इसको स्मॉल में ही रखना, तो इसलिए मैं प्रोवाइड कर देता हूँ स्मॉल एम कैपिटल ई। देखो एक एरर हो गया तो काफ़ी मिस्टेक होती है, इसको भी एम ईमेल प्रोवाइड करना आपको। ओके अभी एरर रिजॉल्व हो चुका है हाँ, एंड यहाँ पे अभी हम प्रोवाइड करेंगे सेम एम कैपिटल ईमेल डॉट गेट टेक्स्ट डॉट ट्रिम, डॉट ट्रिम नहीं करना पहले, तो टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट होने के बाद आपको स्ट्रिंग भी प्रोवाइड करना है डॉट टू स्ट्रिंग, इसके बाद में आपको ट्रिम यूज करना है डॉट ट्रिम एंड सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देना है। सेम आपको पासवर्ड के लिए भी करना होगा एंड नेम के लिए भी करना होगा जैसे हमने ईमेल के लिए क्रिएट किया है। तो मैं क्या करता हूँ इसको जस्ट कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ से आप कंट्रोल डी भी करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा। तो अभी मैं फाइनल को रिमूव कर देता हूँ, ये होने के बाद यहाँ पे आपको ईमेल की जगह पासवर्ड लिख देना है एंड यहाँ पे आपको फुल नेम एंटर कर देना है। हमारा पासवर्ड चेंज होते रहता है इसलिए हमने इसको फाइनल नहीं किया है एंड जो ईमेल होती है वो हमारी फाइनल होती है मीन्स एक ही होती है एंड ये जो हमारा नेम होता है वो भी फाइनल होता है। ओके तो मैं इसको फाइनल कर देता हूँ। ये होने के बाद आपको ये जो एम ईमेल दिख रहा है इसकी जगह आपको क्या करना होगा एम पासवर्ड, सेम आपको एम फुल नेम भी करना होगा जो कि नेम है एम फुल नेम। ओके तो आप देख सकते हो अभी हमने ईमेल पासवर्ड एंड फुल नेम की कम्प्लीटली वर्क कर लिया है। इसके बाद आपको करना होगा इफ की कंडीशन यूज, इफ टेक्स्ट यूटिल्स डॉट इज एम्प्टी, अगर हमारा टेक्स्ट एम्प्टी रहता है किसकी तो ईमेल की, तो हमें क्या प्रोवाइड करना होगा ईमेल इज रिक्वायर्ड जैसे हमने लॉगिन पेज में यूज किए, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे प्रोवाइड किए थे एम ईमेल डॉट सेट एरर
ईमेल इज रिक्वायर्ड, सेम हमें यहाँ पे भी प्रोवाइड करना होगा। मैं जस्ट कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ। सेम हमें कंडीशन यूज करनी होगी पासवर्ड के लिए, इफ टेक्स्ट यूटिल डॉट इज एम्प्टी, एंड ये भी हमें सेम करना होगा, एंड प्रोग्रेस बार का भी सेम रहेगा। तो इसको मैं यहाँ तक कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ, एंड रजिस्टर डॉट जावा में चला जाता हूँ, एंड यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने पासवर्ड के लिए भी कर लिया है, एंड पासवर्ड के लेंथ के लिए भी कर लिया। अगर 6 से लेंथ कम है तो क्या एरर रहेगा, पासवर्ड मस्ट बी ग्रेटर देन 6। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कम्प्लीटली वर्क ऑन क्लिक की प्रोसेस में, अगर साइन अप पे कोई क्लिक करता है। तो अभी हमें क्या करना होगा, फायरबेस ऑथ मीन्स हमारा जो भी डेटा रहेगा वो फायरबेस में जाना चाहिए। इसके लिए अभी हमें कोड करना होगा, तो मैं आ जाता हूँ इसके बाहर। जो भी हमारी प्रोग्रेस पासवर्ड डॉट लेंथ रहेगी, तो मैं अभी प्रोग्रेस बार के नीचे आ जाता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे विजिबल के नीचे आपको एंटर करना है, एंड यहाँ पे आपको पास कर देना है फायरबेस ऑथ डॉट क्रिएट यूजर विथ ईमेल एंड पासवर्ड, एंड इसमें आपको प्रोवाइड करना है ईमेल कॉमा पासवर्ड। एंड यहाँ पे डॉट प्रोवाइड करना है आपको डॉट एट ऑन कंप्लीट लिसनर। ये होने के बाद आपको प्रोवाइड करना है न्यू ऑन कंप्लीट लिसनर। तो आप देख सकते हो अभी खुद ब खुद मेथड आ चुकी है। इसमें हमें इफ की कंडीशन यूज करना होगा, बट यहाँ पे एरर शो हो रहा है। तो इस एरर को रिजोल्व करने के लिए बस आपको सेमी कॉलम एंटर कर देना है। तो मैं यहाँ पे अभी कंडीशन यूज कर लेता हूँ, इफ टास्क इज सक्सेसफुल। अगर हमारा टास्क सक्सेस हो जाता है तो हमें क्या करना होगा, ये कंडीशन हमें प्रोवाइड करनी होगी। तो कंडीशन मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है, फायरबेस यूजर फायर बेस यूजर एफ यूजर, हमें नेम दे देना इसका, एफ यूजर इज इक्वल टू एफ ऑथ। एफ ऑथ के बाद क्या करना आपको, डॉट गेट करंट यूजर, एंड सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देना है। एंड इसके बाद हम यूज करेंगे एफ यूजर डॉट सेंड ईमेल वेरिफिकेशन। एंड इसके बाद आपको प्रोवाइड करना है एड ऑन सक्सेस लिसनर प्रोवाइड करना है आपको। तो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ ऑन सक्सेस लिसनर, एंड इसके बाद अगेन हम प्रोवाइड कर देंगे न्यू ऑन सक्सेस लिसनर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेस का खुद ब खुद आ चुका है void। ठीक है, इसको नेम दे देंगे अ void, अनयूज नहीं देंगे हम, अ void दे देंगे। और यहाँ पे एरर शो हो रहा है, तो एरर को रिजोल्व करने के लिए बस आपको सेमी कॉलम देना होगा। अभी हम प्रोवाइड करेंगे एक टोस्ट, मीन्स अगर कोई फायरबेस से डेटा यहाँ पे लोड करेगा, मीन्स सबमिट पे क्लिक करेगा, चला जाएगा डायरेक्ट रजिस्टर में। ओके, तो इसलिए हम प्रोवाइड कर देंगे यहाँ पे रजिस्टर सक्सेसफुल के नेम से। यहाँ पे हमें प्रोवाइड करना होगा रजिस्टर सक्सेसफुल, ये होने के बाद आपको अगेन एंटर करना होगा। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, एंड इस सेमी कॉलम को आपको रिमूव करना होगा। तो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा एक मेथड एड ऑन फेल्योर लिसनर, सक्सेस लिसनर आपको नेक्स्ट प्रोवाइड करना है फेल्योर लिसनर। तो यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हो, एंड यहाँ से अगेन आपको प्रोवाइड करना है न्यू, जैसे हमने सक्सेस यहाँ पे प्रोवाइड किए थे वैसे ऑन फेल्योर लिसनर। एंड हम पास कर देंगे लॉग, तो यहाँ पे एरर शो हो रहा है, तो इसको भी हम सेमी कॉलम से क्लोज कर देंगे। एंड मैं प्रोवाइड कर दूंगा लॉग डॉट डी, एंड यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे टैग कॉमा, एंड यहाँ पे हम प्रोवाइड कर देंगे स्ट्रिंग में ऑन फेल्यूअर
ईमेल नॉट सेंड, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग में प्रोवाइड हो रहा है। एंड इसके बाद आपको ऐड का सिंबल देना है, ई डॉट गेट मैसेज। ये होने के बाद यहाँ पे एरर शो हो रहा है, इसलिए इसको सेमी कॉलम से क्लोज कर देना है। तो आप देख सकते हो अभी हमारा कम्प्लीटली वर्क हो चुका है, जो भी सक्सेस लिसनर का था और फेलोअर लिसनर का था। तो अभी हमें इसके नीचे आ जाना है सेमी कॉलम के, मैं सेमी कॉलम के नीचे आ जाता हूँ। एंड यहाँ पे हमें एक टोस्ट प्रोवाइड करना होगा, टोस्ट। एंड यहाँ पे हम मैसेज प्रोवाइड कर देंगे यूजर क्रिएटेड। ओके, एंड इसके बाद लास्ट हमें प्रोवाइड करना होगा फायरबेस की यूजर आईडी। तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा यूजर आईडी इज इक्वल टू फायरबेस ऑथ। हमें यूजर से इंफॉर्मेशन लेना होगा, तो इसलिए हम डॉट गेट करंट यूजर एंड वहां से हम आईडी को फेच करेंगे, गेट यूअर आईडी एंड सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देंगे। ये होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स रेफरेंस का यूज करना होगा, तो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा डॉक्यूमेंट्स रेफरेंस। सेम यहाँ पे भी आपको प्रोवाइड करना है डॉक्यूमेंट्स रेफरेंस इज इक्वल टू नेम दे देंगे हम एप स्टोर, ऑलरेडी प्रोवाइड किया हमने। एप स्टोर प्रोवाइड करने के बाद हमें कलेक्शन यूज करना होगा यहाँ से यूजर से, तो इसलिए हम प्रोवाइड करेंगे डॉट कलेक्शन एंड यूजर, यहाँ पे हम प्रोवाइड कर देंगे यूजर्स। ओके, तो ये होने के बाद हमें डॉट डॉक्यूमेंट्स यूजर आईडी भी प्रोवाइड करना होगा, तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा डॉक्यूमेंट्स एंड इसमें प्रोवाइड कर देंगे हम यूजर आईडी। बट पहले तो इसको सेमी कॉलम से क्लोज कर देंगे एंड यूजर आईडी हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। ये होने के बाद हमें मैप का यूज करना होगा एंड यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा आपको स्ट्रिंग। स्ट्रिंग प्रोवाइड करने के बाद आपको यहाँ से कॉमा प्रोवाइड करना है एंड यहाँ से हम दे देंगे ऑब्जेक्ट। ओके, तो हम यहाँ से ऑब्जेक्ट ये जो थर्ड में दिखाई दे रहा है यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है एंड इसका नेम हम प्रोवाइड कर देंगे यूजर इज इक्वल टू न्यू एंड हैश मार्क का हमें यूज करना होगा ऐसे एंड सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देना है। अभी हमें ईमेल एंड जो भी नेम होता है वो प्रोवाइड करना है, इसलिए हम क्या करेंगे यूजर से हम यूजर डॉट पुट क्या प्रोवाइड करेंगे हम सबसे पहले नेम, तो इसलिए हम प्रोवाइड कर देंगे एफ नेम एंड कॉमा दे देंगे एंड यहाँ पे हम प्रोवाइड कर देंगे फुल नेम जो भी हमारा नेम था। इसके बाद हम प्रोवाइड कर देंगे ईमेल यूजर डॉट पुट ईमेल ओके। तो आप देख सकते हो अभी हमारा नेम एंड ईमेल का पुट कर दिया हमने वैल्यू। ये होने के बाद अभी आपको एंटर करना है एंड यहाँ से आपको प्रोवाइड करना है डॉक्यूमेंट्स रेफरेंस का, तो डॉक्यूमेंट्स रेफरेंस डॉट सेट यूजर एंड हम प्रोवाइड कर देंगे यूजर के नेम से एंड हमें मेथड प्रोवाइड करनी होगी एक एड ऑन सक्सेस लिसनर का न्यू ऑन सक्सेस लिसनर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी मेथड इम्प्लीमेंट हो चुकी है। अभी हमें एक मैसेज प्रोवाइड करना होगा ऐसे, तो इसके लिए हम क्या प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे लॉग डॉट डी एंड यहाँ से हम टैग को प्रोवाइड कर देंगे। टैग आपको ध्यान में रखना है जो कैपिटल टैग है इसी को ही आपको सिलेक्ट करना होगा, कॉमा यहाँ पे आपको मैसेज शो करना होगा। मैसेज में आपको ऑन सक्सेस प्रोवाइड करना है, ऑन सक्सेस यूजर प्रोफाइल क्रिएटेड फॉर किसके लिए हम कर रहे हैं, तो यूजर, इसलिए हम यूजर आईडी यहाँ से फेच कर लेंगे।
यूजर आईडी। ये होने के बाद यहाँ पे एरर शो हो रहा है, तो सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देना है। एंड जैसे ही यहाँ पे हमने ऊपर में ऑन सक्सेस लिया था एंड बाद में यहाँ पे ऑन फेल्यूअर लिया था, वैसे सेम यहाँ पे भी कर रहे हैं डॉट एड ऑन फेल्यूअर लिसनर एंड सेम आपको न्यू प्रोवाइड करना है एंड खुद ब खुद मेथड आ जाएगी न्यू ऑन फेल्यूअर लिसनर। इसमें आपको सेम प्रोवाइड करना है, बस यहाँ पे आपको फेल्यूअर का यूज करना है। तो सेम आपको प्रोवाइड करना होगा लॉग डॉट डी एंड यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना होगा कैपिटल टी ए जी टैग कॉमा मैसेज क्या सक्सेस के बाद यहाँ पे फेल्यूअर का क्या आएगा ऑन फेल्यूअर लिसनर। तो मैं इसको स्ट्रिंग में डाल देता हूँ ऑन फेल्यूअर एंड हम एक मैसेज प्रोवाइड कर देंगे जो भी एरर रहेगा प्लस ई डॉट टू स्ट्रिंग। ओके तो अभी हमारा कम्प्लीटली वर्क हो चुका है, तो इसको मैं सेमी कॉलम से क्लोज कर देता हूँ एंड सेम इसको भी सेमी कॉलम से क्लोज कर देना है। ये होने के बाद आपको इंटेंट को यूज करना होगा, मीन्स जो भी हमारा डेटा रहेगा वो तो चला जाएगा एंड हम किस एक्टिविटी में चले जाएंगे तो मेन एक्टिविटी में, तो इसलिए हम प्रोवाइड करेंगे इंटेंट का यूज स्टार्ट एक्टिविटी न्यू इंटेंट एंड हमें प्रोवाइड करना होगा एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कॉमा जिस एक्टिविटी में जाना है, तो हमें जाना है मेन एक्टिविटी डॉट क्लास में। ओके ये होने के बाद अभी आपको एंटर करना होगा एंड एल्स की कंडीशन आपको यूज करनी होगी, तो इसको मैं थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ। ये तो ही कम्प्लीटली इफ की कंडीशन आपको दिखा देता हूँ मैं, ये देखो ये इफ की कंडीशन है। अभी हमें प्रोवाइड करना है एल्स की कंडीशन एंड सेम आपको यहाँ पे भी टोस्ट शो करना होगा जो भी एरर रहेगा, तो यहाँ पे मैं टोस्ट प्रोवाइड कर देता हूँ। नॉर्मली टोस्ट हम प्रोवाइड कर देंगे डॉट मेक टेस्ट रजिस्टर डॉट दिस एंड यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे एरर। ओके तो एरर ये होने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे एक ऐड का सिंबल दे देंगे एंड यहाँ से हम जो भी टास्क रहेगा वहाँ से एक मैसेज को प्रोवाइड कर देंगे जो भी एरर करेगा डॉट सॉरी टास्क डॉट गेट एक्सेप्शन डॉट गेट मैसेज। ओके तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने टोस्ट प्रोवाइड कर दिया रजिस्टर डॉट दिस एरर गेट एक्सेप्शन मैसेज भी प्रोवाइड कर दिया एंड शो भी प्रोवाइड कर दिया। ओके मीन्स इफ एंड एल्स एंड कंडीशन के प्रोवाइड हो चुके हैं, बट यहाँ पे हमें एक प्रोवाइड करना होगा प्रोग्रेस बार जो भी रहेगा उसकी विजिबिलिटी गॉन करना होगा, तो मैं प्रोग्रेस बार डॉट सेट विजिबिलिटी प्रोवाइड कर देता हूँ सेट विजिबिलिटी गॉन। जैसे आपको प्रोवाइड करना है व्यू डॉट गॉन एंड सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो अभी इफ एंड एल्स की भी कंडीशन सक्सेसफुल हो चुकी है एंड कम्प्लीटली हमारा जो भी कोड है वो हो चुका है ओके रजिस्टर डॉट जावा का, बट हमारा एक कोड बाकी है दोनों भी इसका। जैसे अगर कोई यूजर ये जो आपको दिख रहा है पासवर्ड इस पर कोई क्लिक करता है तो वो हाइड होना चाहिए, तो इसका कोड अभी तक हमने लॉगिन डॉट जावा में भी नहीं किया एंड एक्टिविटी रजिस्टर डॉट जावा में भी नहीं किया। तो चलिए इसका कोड हम जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं लॉगिन डॉट जावा में एंड इसको रजिस्टर डॉट जावा में पेस्ट कर लेंगे। तो जल्दी से मैं आ जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बुलियन वैल्यू बुलियन पासवर्ड विजिबल। ये होने के बाद आपको क्या करना है एंटर करना होगा मीन्स इसके नीचे आ जाना होगा क्योंकि हमने यहाँ पे तो प्रोवाइड कर दिया, यहाँ पे भी हमें यहाँ पे इसको डिक्लेयर करना होगा। तो मैं आ जाता हूँ कहाँ पे भी आप जा सकते हो, तो मैं इसके नीचे आ जाता हूँ एंड जो पासवर्ड है अगर एम पासवर्ड आपको दिखा देता हूँ एक्टिविटी लॉगिन डॉट एग्जामिन में, ये जो इसकी आईडी क्या है इसकी आईडी है पासवर्ड। ओके एंड यहाँ पे हमने क्या प्रोवाइड किया है पासवर्ड में हमने प्रोवाइड किया है एम पासवर्ड। ओके जैसे कि आप देख सकते हो एम पासवर्ड पासवर्ड, इसलिए हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं एम पासवर्ड को एम पासवर्ड डॉट सेट ऑन टच लिसनर अगर यहाँ पे कोई टच करता है सेट ऑन टच लिसनर न्यू
व्यू ऑन टच लिसनर, तो आप देख सकते हो खुद ब खुद यहाँ पे मेथड आ चुके हैं। तो रिटर्न फॉल्स को आपको रिमूव कर देना है एंड आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है फाइनल इंट, एंड यहाँ पे हम प्रोवाइड कर देंगे राइट इज इक्वल टू टू एंड सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देना है। ये होने के बाद आपको इफ की कंडीशन यूज करनी होगी, तो मैं इफ की कंडीशन यूज कर देता हूँ। इफ मोशन इवेंट, ये जो नेम है इसी को यूज करना होगा आपको, मोशन इवेंट डॉट गेट एक्शन इज इक्वल टू मोशन इवेंट डॉट एक्शन अप। तो मोशन इवेंट एक्शन अप मेथड शो नहीं हो रही है, तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। यस, यहाँ पे हमें मिल चुकी है। इसके बाद अगेन आपको एंटर करना होगा एंड जो भी इफ की कंडीशन है इसके अंदर हमें मेथड यूज करना है, इसलिए हमने प्रोवाइड कर दिया मेथड का सिंबल इफ। एंड अगेन हम इसमें भी इफ की कंडीशन यूज कर लेंगे, इफ मोशन इवेंट डॉट गेट रॉ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एम पासवर्ड जो हमने प्रोवाइड किया था, एम पासवर्ड डॉट गेट राइट, गेट राइट डॉट एम पासवर्ड सॉरी स्लैश एम पासवर्ड डॉट गेट कंपाउंड ड्राइवल्स। ये होने के बाद आपको क्या करना है, मेथड प्रोवाइड कर देनी है। इसको हम ये आगे की जो मेथड है उसको बाद में थोड़ी देर में इम्प्लीमेंट करेंगे, इसके नीचे पहले हम कोट कर देते हैं इंट सिलेक्शन तो इसका नेम है इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। इंट सिलेक्शन इज इक्वल टू एम पासवर्ड डॉट गेट सिलेक्ट एंड, तो यहाँ पे सिलेक्शन एंड जो है इसको सिलेक्ट करना है, सेमी कॉलम से इसको क्लोज करना है, इफ की कंडीशन प्रोवाइड करनी है एंड यहाँ पे जो भी पासवर्ड विजिबल होता है जो हमने ऊपर में यूज किया था पासवर्ड विजिबल उसी को यहाँ पे यूज करना है। इसके बाद आपको अगेन इफ के कंडीशन में एक मेथड यूज करना होगा। ये काफ़ी थोड़ा कोड हार्ड है तो आपको अच्छे से टाइप करते जाना है एक एक, एम पासवर्ड डॉट सेट कंपाउंड ड्राइवल केस, ठीक है। तो आपको एक एक अच्छे से ये जो दिख रहा है सेट कंपाउंड ड्राइवल रिलेटिव विद बेसिक बाउंड वही आपको सिलेक्ट करना है एंड यहाँ से आपको जीरो प्रोवाइड कर देना है, यहाँ से इसके बाद कॉमा पास कर देना है। मैं यहाँ से कॉमा पास कर देता हूँ एंड यहाँ से अगेन मैं कॉमा पास कर देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ से बाद आर डॉट ड्राइवल डॉट, हमें सबसे पहले तो ऑफ रखना है इसलिए क्या आएगा आईसी विजिबिलिटी ऑफ एंड कॉमा अगेन पास करेंगे जीरो एंड सेमी कॉलम से अगेन क्लोज करेंगे। ये होने के बाद अगेन आपको एम पासवर्ड डॉट सेट ट्रांसफर, तो मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन मेथड को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी शो रही है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। एंड अभी क्या करना होगा हमें पासवर्ड मेथड को यहाँ से सिलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कैपिटल पासवर्ड नहीं लिया इसलिए शो नहीं हो रहा। तो आपको ध्यान में रखना है यहाँ से कैपिटल पासवर्ड लेना है तभी जाके शो होगा। पासवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन मेथड डॉट गेट इंस्टेंस यहाँ से आपको प्रोवाइड करना है। ये होने के बाद आपको क्या करना है यहाँ से पासवर्ड विजिबल फॉल्स कर देना है एंड सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देना है। ओके, तो सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे इस एरर को रिजॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये जो एरर था डॉट गेट ड्रॉबल्स, इसके बाद हमने यहाँ पे राइट भी क्लिक करना होता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मेथड को हमें यहाँ पे टाइप करना होता है राइट right,
डॉट गेट बाउंस डॉट विथ, जो भी विथ होती है उसको डिफाइन करना होता है। तो आप देख सकते हो जैसे इसको हमने एंटर कर दिया, एरर रिजोल्व हो चुका है। ओके, तो अभी अगेन हम इसके नीचे आ जाते हैं, पासवर्ड विजिबल के नीचे। ये तो इफ की कंडीशन थी, अगर ऑफ होता है तब की कंडीशन, एल्स में भी हमें प्रोवाइड करना होगा। एंड सेम आपको क्या करना होगा, एम पासवर्ड यहाँ से प्रोवाइड करना होगा डॉट सेट। एक काम कर देता हूँ मैं, इसको जैसे कि वैसे कॉपी कर देता हूँ ऊपर के कोड को, एंड इसको मैं जैसे कि वैसे यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट। एंड ये जो आर डॉट ड्रॉबल डॉट आई सी विजिबिलिटी ऑफ है, इसको आपको डिफरेंट सिलेक्ट करना होगा, आई सी बेसलाइन 24 सिलेक्ट करना होगा। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने अच्छे से सिलेक्ट कर दिया है। एंड सेम आपको ये जो पासवर्ड ट्रांसफर मेथड है, इसकी जगह आपको हाइट ट्रांसफर मेथड सिलेक्ट करना होगा। तो हाइट रिटर्न ट्रांसफर मेथड एंड पासवर्ड विजिबल यहाँ पे फॉल्स था, तो इसकी जगह आपको प्रास कर देना है ट्रू। तो आप देख सकते हो अभी हमने दोनों की भी कंडीशन इफ एंड एल्स के अच्छे से इम्प्लीमेंट कर दिए। आपको अगेन थोड़ा स्क्रॉल करना होगा इसको, एंड इसके बाद आपको ये जो दिखाई दे रहा है इसके नीचे आ जाना आपको, एल्स के नीचे। एंड यहाँ पे हम प्रोवाइड कर देंगे एम पासवर्ड डॉट सेट सिलेक्शन, ये जो दिखाई दे रहा है आपको सिलेक्शन, इसी को ही आपको प्रोवाइड करना है। एंड यहाँ पे आपको सिलेक्शन को प्रोवाइड कर देना, ये जो सिलेक्शन है उसी को हम यहाँ से प्रोवाइड कर देंगे। ये होने के बाद आपको रिटर्न पास कर देना है ट्रू, तो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ एंड सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देना। एंड ये जो एरर शो हो रहा है यहाँ पे दो कॉलम के नीचे, यहाँ पे जैसे आप रिटर्न ट्रू को पास कर दोगे, रिटर्न ट्रू, तो ये एरर चला जाएगा। तो आप देख सकते हो अभी हमारा कम्प्लीटली वर्क हो चुका है। जो भी यहाँ पे विजिबिलिटी थी, जैसे मतलब कोई यहाँ पे यूज करेगा, मीन्स यहाँ पे अगर कोई क्लिक करेगा तो हाइड भी हो जाएगा एंड अनहाइड भी हो जाएगा। तो सेम आपको रजिस्टर के लिए भी क्रिएट करना है, तो मैं इसको जस्ट कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ। बुलियन पासवर्ड विजिबल को मैं यहाँ पे रजिस्टर में पेस्ट कर देता हूँ, तो इसको आपको स्क्रॉल करना होगा ऊपर में। ये होने के बाद अगेन आपको लॉगिन डॉट जावा में जाना है, एंड ये जो कम्प्लीटली मेथड अभी अभी हमने क्रिएट की है उसको जस्ट कंट्रोल सी से आपको कॉपी करना होगा। एंड जैसे इसके नीचे हमने पेस्ट किए थे, सेम रजिस्टर डॉट जावा के नीचे आपको पेस्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो अभी हमारा कम्प्लीटली वर्क हो चुका है, मीन्स हमने स्प्लैश स्क्रीन भी अच्छे से क्रिएट कर ली है, रजिस्टर पेज भी क्रिएट कर लिया है, लॉगिन पेज भी क्रिएट कर लिया, एंड उसका जावा कोड जो भी होता है वो भी अच्छे से क्रिएट कर लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इसको हम फायरबेस से कैसे कनेक्ट करते हैं। एंड ये जो मेन एक्टिविटी है मैं आपको दिखा देता हूँ, एक्टिविटी मेन डॉट एग्जामल, जैसे कोई रजिस्टर कर लेता है तो यहाँ पे लॉगआउट का भी ऑप्शन होना चाहिए, तो वही हम लॉगआउट पेज का भी इम्प्लीमेंटेशन नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।